नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगल सफारी। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो हेवी वेट्स की, टाइगर और गोरिल्ला। हम जानेंगे इनके साइज, वेट और कौन जीतेगा इनकी आमने सामने की लड़ाई में। कंपैरिजन के लिए हम लोग लेंगे मेल बंगाल टाइगर और मेल ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज और वेट की। दोस्तों मेल बंगाल टाइगर का वजन ऑन एवरेज 220 केजी के अराउंड होता है। लेंथ अराउंड 3.1 मीटर यानी कि 10.2 फीट ऑन एवरेज फ्रॉम हेड टू टेल। शोल्डर हाइट ऑन एवरेज 3.3 फीट तक होती है। वहीं ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का एवरेज वजन 210 केजी के अराउंड होता है। गोरिल्ला अगर दो पैरों पर खड़ा हो जाए तो इसकी हाइट लगभग 6 फीट तक होती है। तो क्लियरली दोस्तों टाइगर ऑन एवरेज थोड़ा ज़्यादा भारी है गोरिल्ला से, और अगर अपने हैंड लेग्स पर खड़ा हो तो गोरिल्ला से थोड़ा बड़ा भी है। तो साइज एंड वेट के मामले में टाइगर हैज दी एज। अब बात कर लेते हैं बाइट फोर्स की। दोस्तों टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI है। इतना बाइट फोर्स बोन्स को क्रश कर देने के लिए काफ़ी है। वहीं गोरिल्ला का बाइट फोर्स 1300 PSI है, जो कि टाइगर से काफ़ी ज़्यादा है। इसका कारण है गोरिल्ला एक शाकाहारी जानवर है और इसे खाने के लिए पेड़ की छाल, जड़, लता, बांस आदि को चीरना फाड़ना पड़ता है, जिसके लिए मजबूत जबड़े चाहिए होते हैं। ओवरऑल बाइट फोर्स के मामले में गोरिल्ला इज द किंग। बात कर लेते हैं स्पीड और एजिलिटी की। दोस्तों बंगाल टाइगर 65 km/h की स्पीड से दौड़ सकता है इन शॉर्ट बर्स्ट्स और काफ़ी फुर्तीला होता है। वहीं गोरिल्ला 40 km/h की स्पीड से दौड़ सकता है। जहां तक एजिलिटी यानी कि फुर्ती का सवाल है तो गोरिल्ला इन जनरल टाइगर से कम फुर्तीला है। हालांकि एग्रेसिव और गुस्सा होने पर यह ताबड़तोड़ वार कर सकता है। कुल मिलाकर टाइगर स्पीड और एजिलिटी के मामले में आगे है गोरिल्ला से। फाइनली बात कर लेते हैं वन ऑन वन फाइट की। दोस्तों टाइगर और गोरिल्ला दोनों ही डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स में रहने के आदी हैं। इन्हें वन ऑन वन फाइट अगर टाइगर गोरिल्ला को घात लगाकर वार करता है तो उसके लिए गोरिल्ला की मोटी गर्दन को एक बार में भेद पाना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन गोरिल्ला के लिए भी टाइगर के मजबूत फोर आर्म्स, उसके वेट के चंगुल से खुद को निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। टाइगर जितनी जल्दी अपने 3 इंच लंबे केनाइंस और क्लॉज गोरिल्ला के शरीर में धंसा देगा उतनी जल्दी ये लड़ाई उसकी हो जाएगी, और जितनी देर होगी उतनी ज़्यादा चांस है कि टाइगर को चोट पहुंच जाएगी, जिस केस में टाइगर गोरिल्ला को रिलीज कर देगा अपने पकड़ से। तो वन ऑन वन मैं कहूँगा आइदर द टाइगर विंस और इट एंड्स इन अ ड्रॉ। तो दोस्तों ओवरऑल आप देख सकते हैं टाइगर और गोरिल्ला की लड़ाई में अल्टीमेट विनर टाइगर है, सिंपली बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट किलिंग मशीन्स इन्वेंटेड बाई नेचर। गोरिल्ला इज ऑलमाइटी एंड पावरफुल, बट इट हैज़ टू बो डाउन अगेंस्ट द फियर्स माइट ऑफ द टाइगर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी एनिमल और नेचर लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।